रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। महाराज जलगांव तहसील अमरनेर में श्रमनेर प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन बौद्ध समाज भारत एवं भारतीय बौद्ध महासभा तालुका शाखा एवं नगर शाखा अमरनेर की ओर से 10 से 19 फरवरी तक बुद्ध विहार प्रबुद्ध कॉलोनी अमरनेर में श्रमनेर शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 10 फरवरी को शाम को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता तालुक अध्यक्ष MTR संडेन थे। भारतीय बौद्ध महासभा भिक्खु संघ के राष्ट्रीय महासचिव भंतेवी सुमेध बोध ने श्रमनेर प्रवज की शुरुआत की। माननीय KY सूरवड़े संभागीय सचिव के मार्गदर्शन में श्रमनेर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री युवराज नरवड़े, समता सैनिक दल लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण तैदेत, केंद्रीय शिक्षक मधुकर पगारे, जिला कोषाध्यक्ष भीमराव सोनवड़े, श्री प्रकाश सोनवड़े, पर्यटन सचिव मोहित सर सक्री, मानी आरटी सालवे, मानी DK वाले, मानी ATE सुरालकर, मानी अनुसूचित जनजाति इंगले, मानी रमेश पवार, मानी मिलिंद भालेराव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत नेताकर तालुका कोषाध्यक्ष ने श्रमनेर शिविर के महत्व को बारे में बताया। अमरनेर तालुका के कार्यकारी श्री ज्ञानेश्वर निगम महासचिव श्रीकांत खैरनार, कार्यालय सचिव श्री संदीप सैदाने, लेखा परीक्षा हरिभा वाघ, उपाध्यक्ष पंचशीला संदन शिव, महिला उपाध्यक्ष राजेंद्र गायकवाड़, सचिव मोहम्मद हीरज ब्रह्मो, सचिव रत्नामाला नेतकर, महिला सचिव MD सुधा निकम, महिला संगठन ने संगठन का संचालन किया। जगह न्यूज 24 महाराष्ट्र अमरनेर से मधुसूदन विसावे की खास रिपोर्ट। आताच गोलप सर जी सुस्त मांडली त्याच आमचं पूर्ण अनुमोदन आहे। इस शिविर के आयोजन के उपलक्ष्य पर इसकी जो पार्श्वभूमि है वह प्रास्ताविक में आपको बताई जाएगी। यहां उपस्थित सभी अतिथिगण एवं इस शिविर में सम्मिलित हुए श्रवण संघ एवं बौद्ध उपासक उपासिका आप सभी का अमरनेर शाखा की ओर से, भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा की ओर से आपका तहदिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बौद्ध उपासक और उपासिका भाई और बहनों, बौद्ध धर्म भारत की श्रवण परंपरा से निकला एक धर्म है, दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है तत्वज्ञान। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है, वहां हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, जो आज भारत में स्थित है, वहां हुआ। उनके परिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उस काल का उपमहाद्वीप जिसे हम आशिया खंड कहते हैं, वहां तक फैला हुआ। अगले 2000 वर्ष में मध्य पूर्वी और दक्षिण एवं पूर्वी एशिया, यूरोप में इन सभी महाद्वीपों में फैला। बौद्ध धर्म का विश्व का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है। ध्यान में रखने योग्य बात है कि बौद्ध धर्म संसार भर में नंबर 2 का धर्म है।